बिल्कुल रहमान साहब, स्पीकर साहब ऐसा है कि कुछ प्रोसेस जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, उसमें भी टाइम लगता है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी है। और साथ साथ इन्होंने जो बात की है बिल्कुल बजाय इनकी बात के कॉलेजेस में जितनी हमें स्ट्रेंथ चाहिए उस तरह है नहीं, काफ़ी हमारे पास वेकेंट पोस्टें भी खाली होती हैं। और ये स्पेशली इशू है न्यूली मर्ज एरियाज का, खासकर इसका ये इशू हमें आ रहा है और काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है। और दूसरा मसला ये है कि जो हमारा जो टीचिंग स्टाफ है उसकी कोशिश ये होती है कि वो शहरी इलाकों में ही रहें और इस तरह के फार फ्लंग एरियाज में ना जाएं। तो अभी हमने जो पॉलिसी बनाई है, इंशाल्लाह आप देखेंगे 15 सितंबर के बाद हमने काफ़ी प्लेसमेंट्स की भी हुई हैं और भी करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जी हमें जब भी हम इस तरह की पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं तो हमें हमारे अपने ही कोलीग्स जो हैं वो भी हमारे साथ आके बैठ के हमें कहते हैं कि जी वो इतनी दूर जगह है, आप कैसे उसको उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमने खुद स्टैंड लिया हुआ इस बात पे, मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने कोलीग्स से कि इसमें हमारे साथ वो ताउन करें। इंशाल्लाह मेरी तरफ से आप ये तसल्ली रखें कि आने वाले टाइम में आपको खाली कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, तकरीबन ज़्यादातर जो है वो उसमें टीचिंग स्टाफ पहुंच जाएगा। साथ साथ जो हमने मैंने आपको बताया कि हमारी जो ये 1800-1900 जो पोस्टें हैं वो इसीलिए हमने क्रिएट की हैं कि जो जो इस तरह के कॉलेजेस हैं जो जहाँ पे वेकेंट है और वहाँ पे स्टाफ नहीं पहुँच सका, वो भी इंशाल्लाह यही जब पोस्टें हम करेंगे या हम ईटर के थ्रू करने जा रहे हैं तो उसके बाद उम्मीद ये है कि ये मसला भी हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।